पालन के संग गैया चराए, गोपियों के संग रास रचाए। माखन चोर कृष्ण कन्हैया, बड़ा नटखट तेरा लाल ओ मैया। जय श्री कृष्णा। युग आएंगे युग जाएंगे, लोग गाते रहेंगे कृष्णा। मासी तुम्हें अब दूध पिलाएगी। अति भयंकर विष भरे स्तन कान्हा मूलाय, रूपवती बनी पूतना, मंद मंद मुस्का। लेकिन तुम जैसे ही दूध पियोगे तुम सो जाओगे। तुम्हें ऐसी नींद आएगी कि तुम सदा के लिए सो जाओगे, क्योंकि वो दूध नहीं विष होगा, विष। अरे मूर्ख पूतना, प्रभु तो योग निद्रा में रहते हैं, चिर निद्रा में भूलोक वासी रहते हैं। अब भी समय है, प्रभु की शरण में चली जा, नहीं तो तू भी चिर निद्रा में चली जाएगी। नारायण नारायण। किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। केशनी, तुम? महाराज, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? किसी की भी नहीं। आप कुछ व्याकुल नजर आ रहे हैं, क्या कोई आने वाला है? नहीं, कोई भी नहीं। कुछ तो बात अवश्य है महाराज, आपको इतना व्याकुल पहले कभी नहीं देखा। अवश्य ही कोई आने वाला है, अब आप मुझसे भी कुछ छिपाने लगे। केशनी, मैं पूतना की प्रतीक्षा कर रहा। और आपको पूतना जैसी राक्षसी की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या कोई विशेष कार्य? हाँ, विशेष कार्य। गोकुल में नंद के घर मुझे मृत्यु देने वाला पल रहा, उसी की मृत्यु के लिए मैंने पूतना को वहां भेजा। महाराज, आप अभी नहीं थके? देवकी के 6 संतानों की हत्या करने के बाद भी आपका मन नहीं थका, ये जानकर कि आप नियति के विरुद्ध लड़ रहे हैं, फिर भी आपने परमेश्वर को चुनौती दी? केशनी, केशनी, तुम बार बार मेरी शक्ति और पराक्रम को चुनौती दे रही हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि समय की प्रतीक्षा कर। पूतना के रूप में मैंने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा है जो कभी अपने लक्ष्य से भटकेगा नहीं। फिर तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि कौन है भगवान, वो झूठ विष्णु या फिर मैं। जी जी, रोहिणी जी जी। हाँ यशोदा, चलिए ना। अरे मौसी आई हैं मथुरा से, भीतर आपकी बात जो रही हैं। कौन सी मौसी? वसुदेव जी ने उन्हें मथुरा से भेजा है।
उन्होंने भेजा, पर मेरी तो कोई मौसी ही नहीं है यशोदा। अरे यादव कुल के बच्चों को जो दूध पिलाती है, दूध पिलाने वाली मौसी, पर मथुरा में ऐसी कोई मौसी नहीं है यशोदा। यशोदा मुझे तो इसमें भी कंस का कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है। यशोदा तुम कहीं बच्चों को उस मौसी के साथ तो नहीं छोड़ा है? जल्दी चलो यशोदा, इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए। चलिए चलिए। महाराज कंस, आपको मृत्यु देने वाला मेरी गोद में है और मैं उसे विष पिला रही हूँ। अब आप अमर हो जाएंगे। जगा दियो विष पान। छोड़ मुझे, छोड़, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़।
राक्षसी से तो हम लोग डर ही गए थे, लेकिन लल्ला नहीं डरा। हाँ, डरना तो दूर, ये तो हंस रहा है। बताओ, लल्ला अभी बोल भी नहीं पाता, फिर भी उस राक्षसी को मार दिया। बड़ा होगा तो न जाने कितना बहादुर होगा। हाँ, बड़ा होगा तो सारे राक्षस राक्षसियों को मार डालेगा। हाँ, बेटा किसका है। मैं तो डर रही थी, उस राक्षसी के गिरने पर उसके शरीर के नीचे आ जाता तो। चुप कर, शुभ शुभ बोला कर, शुभ शुभ। यशोदा, आज के बाद अपना लल्ला किसी अनजान को नहीं देना। छोटे, क्या समाचार है? भैया, समाचार शुभ है, बस अगले समाचार की प्रतीक्षा है। हे भगवान, ये शरीर है कि पहाड़ है, लेकिन आश्चर्य ये है कि लल्ला सुरक्षित है। हाँ, लेकिन समझ में नहीं आता ये राक्षसी यहाँ पर आई क्यों थी। अच्छा हुआ मर गई, नहीं तो ये बच्चे को उठा के कहाँ ले जाती, समझ में नहीं आता। किंतु नंद बाबा, इतना बड़ा मरा हुआ शरीर, या गोकुल में ही पड़ा रहेगा? नहीं नहीं, हमें इसका अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा, वरना सारे गोकुल में रोग फैल जाएगा। किंतु इस पहाड़ जैसे शरीर का अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा? हमें इसके शरीर के कई खंड करने पड़ेंगे, और हर खंड की चिता जलाकर हमें इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अगर हमने इसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। पितामह, पूतना कितनी भाग्यशाली है कि उसे प्रभु के हाथों मुक्ति मिली, वो परम धाम जा रही है। इसीलिए कि पूतना ने प्रभु को स्तनपान कराया था। अनचाही अवस्था में उसे माता का रूप प्राप्त हुआ, इसलिए प्रभु की माँ की तरह उसे भी परम धाम प्राप्त हुआ, यही पूतना का सौभाग्य है। परंतु पितामह, पूतना ने तो सदैव दुष्कर्म ही किए हैं, उसे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? प्रभु को स्तनपान कराने की इच्छा पूतना के मन में कई युगों से है। जब वो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ रचा था, तब प्रभु ने वामन अवतार लिया था। कितना प्यारा बालक है, ता नहीं क्यों, इसे देखते ही हृदय में ममता जाग गई है। इसका मुख कितना निष्पाप है, भोला सुंदर सलोना। राजन, यज्ञ में दान का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यज्ञकर्ता महान दानी है। सब तो कह रहे हो बटो, आज तक कोई भी याचक राजा बलि के द्वार से बिना कुछ प्राप्त किए नहीं गया है, तुम्हारी भी मनोकामना पूरी होगी। कहो, क्या चाहते हो? यदि देना ही चाहते हैं राजन, तो संकल्प ले लीजिए। कितना आत्मविश्वास है ना इस बालक में। मैं राजा बलि संकल्प लेता हूँ, ये बटक मुझसे जो भी मांगेगा मैं इसे दूंगा। मुझे 3 पग भूमि चाहिए राजन। कितना भोला है, संकल्प तो ऐसे कराया जैसे कि 3 लोक मांगेगा। बटुक, केवल 3 पग भूमि? कोई और इच्छा नहीं है तुम्हारी? इच्छा? इच्छा कब किसी की पूरी होती है राजन? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, फिर भी यज्ञ कर रहे हो? क्यों,
अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही ना। तो तुम्हारी इच्छा केवल दीनपक भूमि ही है? हाँ, इसी में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा राजन। कितना मीठा बोलता है, जी तो करता है इसे अपनी गोद में उठाकर दूध पिलाओ, खूब ममता लुटाओ इस पर। तथास्तु। प्रतीक्षा करो, मैं बाल कृष्ण के रूप में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। नारायण नारायण। पितामह, प्रभु ने अपने वचन का पालन किया और पूतना के रूप में रत्नमाला की भी इच्छा पूर्ण की। हाँ देवर्षि, वही रत्नमाला इस युग में पूतना बनी है और उसे अपनी ममता लुटाने का अवसर मिला है। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी लीला। बच्चे को मुझे दे दो। भागो। कहां तक भागोगी? तुम मुझसे भागकर नहीं जा सकती। बच्चे को मुझे दे दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? बच्चे को मुझे दे दो। मेरा बच्चा। यशोदा, मेरा लल्ला। यशोदा, यशोदा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, कोई बुरा स्वप्न देखा? राक्षस हमारे बच्चे को उठा लेके। यशोदा, यशोदा, राक्षस उठा ले गया। यशोदा, लल्ला, यशोदा, उधर पालने में देखो, उधर पालने में देखो कौन सो रहा है। हमारा लल्ला तो वहां है। नहीं नहीं यशोदा, लल्ला को वहीं सोने दो, उसकी नींद टूट जाएगी। तुम भी सोचो, सोचो। मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? अब मुझे गोकुल में रहने से भय लगने लगा है। यशोदा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। रात के समय बिना किसी से कुछ कहे यहाँ से चले जाएंगे। यशोदा, रोहिणी दीदी और बलराम को भी ले चलेंगे। आप मेरी बात मानिए और गोकुल छोड़कर कहीं और। नहीं यशोदा, गोकुल छोड़कर हम नहीं जा सकते। गोकुल हमारी जन्म और कर्म भूमि दोनों है। क्या लोगों की जन्म भूमि नहीं छूटती? और जहां तक कर्म भूमि की बात है, हम जहां जाकर कर्म करेंगे वही हमारी कर्म भूमि बन जाएगी। बात समझने की कोशिश करो यशोदा, हम यहाँ के मुखिया हैं, राजा हैं हम यहाँ के, हमारी यहाँ प्रतिष्ठा है। तो अब आप फैसला कर लीजिए, आपको पद चाहिए, सम्मान चाहिए या हमारे लल्ला का जीवन। मैं एक बात कह देती, मैं अपने बच्चे पर कोई भी संकट नहीं देख सकती। हर आपत्ति और संकट का कोई ना कोई हल होता है। हम कल ही अपने कुलगुरु शांडल्य ऋषि के आश्रम जाएंगे, वो हम पर आने वाले हर संकट को दूर करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य बता दे। अब तुम सोचो, तुम चिंता मत करो, सोचो।